ये देखिए ऐसा सीढ़ियाँ है, इसे चढ़ के ऊपर जाना है। ये जो लाइट हाउस है इसमें ऐसे यहाँ पे दो सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ी से मैं आया था, तो इससे चढ़ के हमको जाना पड़ता है। अभी मैं लाइट हाउस के ऊपर यहाँ पे आ गया और यहाँ से हाय गाइस, वेलकम टू अवर डिजी डेस्टिनेशंस। आज हम लोग जा रहे हैं कोरलाई फोर्ट, जो कि अलीबाग एरिया का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स में आता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस फोर्ट से हमें डबल व्यू मिलता है। एक तरफ जहाँ हम कुंडालिका रिवर को देख सकते हैं, वहीं दूसरे तरफ हम सी बीच को देख सकते हैं। तो समुद्र और कुंडालिका रिवर के बीच में ये फोर्ट स्थित है, इसी वजह से यहाँ का जो सीनिक ब्यूटी है ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और काफी यूनिक हो जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग रास्ते में हैं और फोर्ट के लिए हम ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पे साइड में सी बीच दिख रहा होगा, हम अभी ऊपर जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इस फोर्ट को 1521 में पोर्तुगीज ने बनाया था अहमदनगर सल्तनत से परमिशन लेकर। हालांकि इसके बाद 1739 से लेकर 1818 ईस्वी तक ये मराठा साम्राज्य के अंडर में रहा था। तो चलिए जल्दी ऊपर लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं। और मैं इस ब्लॉग में लाइट हाउस को कवर किया हूं, कोरलाई फोर्ट का जो लाइट हाउस है उसे मैंने पूरा कवर किया है इस ब्लॉग में। तो गाइज यही वो रास्ता है जिससे हम लोग आए थे, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल पुष्पा मूवी जैसे था उसी टाइप का रास्ता है, आड़ा टेढ़ा होकर कच्चा टाइप का रास्ता है और इससे हम लोग ऊपर तक यहाँ तक आए हैं। और ये कम्प्लीटली एक वन लेन रास्ता है, मतलब एक समय में एक ही फोर व्हीलर जा सकती है, दो नहीं। और इसी जगह से मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा कोरलाई फोर्ट है और इसका लेंथ यहाँ तक है, लास्ट तक काफ़ी लंबा ये फोर्ट है और इस पूरे हिल में ये फोर्ट बना हुआ है। और इस साइड में सी है जैसे कि हम देख सकते हैं, और जब ऊपर चढ़ के उस साइड आप देखोगे तो आपको वहाँ पे कुंडालिका रिवर भी दिखेगा। तो काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है और यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी प्योर हवा चलता है। तो अगर आप इस जगह में आओगे तो आप काफ़ी पीसफुल टाइम एंजॉय कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। तो यहाँ पे हमने पार्किंग करा है अपने गाड़ियाँ और अभी हम अंदर जाएंगे। तो ये यहाँ का कैंपस स्टार्ट हुआ, आप देखिए कितना यहाँ पे साफ़ सुथरा कैंपस है। और यहाँ से आपको टिकट कटाना है, 20 रुपये पर पर्सन टिकट है लाइट हाउस का। टिकट कटाने के बाद आपको यहाँ से आगे जाना है। अभी ये कोरलाई फोर्ट के लाइट हाउस में आए हैं हम लोग, इधर समुंदर है और यहाँ पे लाइट हाउस है, ऊपर में ये दिख रहा है कोरलाई फोर्ट पीछे में। ये रास्ता लाइट हाउस को जाता है, यहाँ पे ऊपर में एक विंड मिल भी घूम रहा है, ये देखिए ऊपर। यहाँ से ये जो रास्ता है ये जाता है कोरलाई किला को दाहिने तरफ, और ये जो रास्ता है लेफ्ट साइड में ये जाता है लाइट हाउस को। अब हम लोग लाइट हाउस के ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको शूज़ अलाउड नहीं है, आपको शूज़ यहाँ पे अपना निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको विदाउट शूज़ ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी रखा जाता है। ये लाइट हाउस है, अभी यहाँ पे ऊपर में जाएंगे इस जगह में, इधर में समुंदर है और इधर में भी समुंदर है, यहाँ पे ऊपर में कोरलाई। अब हम लोग लाइट हाउस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सीढ़ियाँ काफ़ी छोटी और संकरी हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। लाइट हाउस की सीढ़ियाँ इसी तरह कंजस्टेड ही रहती है कहीं भी आप जाइए। ये लाइट हाउस का टॉप आ गया है, यहाँ पे झुक के जाना है इस तरह से। तो हम बाहर आ गए हैं और यहाँ से हमको कोरलाई फोर्ट दिख रहा है, आप लोग देखिए ऊपर में। अगर मैं यहाँ से 360 व्यू लूँ तो ऐसा आएगा, ये कोरलाई फोर्ट हो गया, ये लाइट हाउस दिख रहा है और इस साइड में। वैसे ही वापस झुक के ऊपर जाएंगे, लास्ट का सीढ़ी बहुत स्टीप है, इस तरह से चढ़ के ऊपर जाना है। अंकिता जा रही है धीरे धीरे। ये देखिए लाइट हाउस में हमने जा रहे हैं नीचे से ऊपर। सीढ़ियाँ बहुत स्टीप है, ये देखिए ऐसे सीढ़ियाँ हैं, इससे चढ़ के ऊपर जाना है। ये जो लाइट हाउस है इसमें ऐसे यहाँ पे दो सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ी से मैं आया था, तो इससे चढ़ के हमको जाना है। अभी मैं लाइट हाउस के ऊपर यहाँ पे आ गया और यहाँ से पानी है यहाँ पे, जहाँ नजर दौड़ाओ दूर दूर तक बस पानी ही पानी।
तो गाइज ये मेरा वीडियो था कोरलाई फोर्ट के लाइट हाउस का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।